विराट कोहली का जीवन परिचय। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उसके पिता प्रेम कोहली एक आपराधिक वकील और माता सरोज कोहली एक गृहिणी है। उन्हें एक बड़ा भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना भी है। उनके परिवार के अनुसार जब कोहली 3 साल के थे तभी उन्होंने क्रिकेट बैट हाथ में ली थी और अपने पिता को बॉलिंग करने कहा था। कोहली उत्तम नगर में बड़े हुए और विशाल भारती पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1998 में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी बनी और कोहली 9 साल की आयु में ही उसमें शामिल हुए। कोहली के पिता ने तभी कोहली को अकादमी में शामिल किया जब उनके पड़ोसी ने उनसे कहा कि विराट को गली क्रिकेट में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि उसे किसी अकादमी में व्यावसायिक रूप से क्रिकेट सीखना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा के हाथों कोहली ने प्रशिक्षण लिया और सुमित डोगरा अकादमी में मैच भी खेला। 9वीं कक्षा में उन्हें सवियर कॉन्वेंट में डाला गया ताकि उन्हें क्रिकेट प्रशिक्षण में मदद मिल सके। खेलों के साथ ही कोहली पढ़ाई में भी अच्छे थे। उनके शिक्षक उन्हें एक होनहार और बुद्धिमान बच्चा बताते हैं। वर्ष 2004 के अंत तक उन्हें अंडर 17 दिल्ली क्रिकेट टीम का सदस्य बना दिया गया था जब उनको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलना था। इस 4 मैचों की सीरीज में उन्होंने 450 से ज्यादा रन बनाए थे और उन्होंने एक मैच में तो 251 रन नाबाद बनाए थे। अगले साल की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में तो वो सुर्खियों में आ गए थे। इस बार उन्होंने 7 मैचों में 757 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली विराट ने 84.11 की औसत से रन बनाए थे जिसमें से 2 शतक भी शामिल थे। जुलाई 2006 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ियों में चुन लिया गया और उनका पहला विदेशी टूर इंग्लैंड था। इस इंग्लैंड टूर में उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 रन बनाए थे। इसी टूर में 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने 49 रन की औसत से रन बनाए थे। भारत उस वर्ष दोनों सीरीज जीत कर लौटा था। इसी साल बाद में विराट ने अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके बाद उनकी प्रतिभा को देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट में विराट को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में रख लिया गया। 18 दिसंबर 2006 को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से काफी दिनों तक आराम करने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने प्रारंभिक जीवन को याद करते हुए कोहली एक साक्षात्कार में बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। मैंने युवा दिनों में ही अपने पिता को खो दिया जिससे पारिवारिक व्यापार भी डगमगा गया था। इस वजह से मुझे किराए की रूम में भी रहना पड़ा। वो एक मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज भी हैं। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के कप्तान हैं। उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी के लिए भी खेला है। उन्होंने एक भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। कोहली ने 2008 में अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय शुरुआत की और 2011 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। एक दिवसीय टीम में नियमित होने के बावजूद कोहली किंगस्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में अपना पहला टेस्ट खेला था। कोहली 2012 में ICC वनडे प्लेयर के प्राप्तकर्ता था। नवंबर 2013 में उन्होंने पहली बार वनडे बल्लेबाज में शीर्ष स्थान पाया था। कैरियर की शुरुआत कोहली सुर्खियों में आए जब वे अपने पिता की मृत्यु के दिन कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। कोहली मलेशिया में आयोजित 2008 U19 क्रिकेट विश्व कप में विजयी भारतीय टीम के कप्तान थे। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 47 की औसत से 6 मैचों में 235 रन बनाए जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक भी शामिल है। टूर्नामेंट के दौरान कई सामरिक गेंदबाजी परिवर्तन करने के लिए उनकी सराहना की गई थी। वे अपना हर मैच गंभीरता से लिया करते हैं।
कोहली ऑस्ट्रेलिया में 2009 इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में कोहली ने शतक बनाया था और भारत 17 रन से जीता था। जब 2014 में धोनी ने टेस्ट मैचेस से संन्यास लिया, तब विराट को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। विराट कोहली पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 साल में 1000 या उससे भी ज्यादा रन वनडे मैचों में हासिल किए, और साल 2015 में 20 से 20 मैच में वे 1000 रन बनाकर दुनिया के सबसे तेज बैट्समैन बने। विराट कोहली ने कई पुरस्कार हासिल किए। 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 18 दिसंबर 2006 को ब्रेन स्ट्रोक की वजह से विराट के पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विराट कोहली ने एक साक्षात्कार में बताया कि युवा दिनों में ही पिताजी को खोने के बाद उनका पारिवारिक व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें किराए के घर में भी रहना पड़ा। जब 2006 में विराट कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे, तब उन्हें उनके पिता की मृत्यु का पता चला। लेकिन विराट ने पहले अपने मैच को पूरा किया, फिर वे अपने घर दिल्ली गए।